सजी इस बस को देखकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी की बारात निकल रही है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बारात नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस के डर से दुम दबाकर भागने की कोशिश हो रही है। तेरी की पूरे आसार पर पानी फिर गया। हमें तो लगा सब परिवार बैठकर इस बस में किसी बारात में जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन लगता है शहर वाले वापस शहर की ओर निकल पड़े हैं। कमलपुरा को छोड़ने की इन्होंने ठान ली है। ब्रह्म राक्षस ऐसे थोड़ी ही इन्हें जाने देगा। बस में चढ़कर भी वो हल्ला बोल करेगा। जैसे ही उसने बस पर हमला किया, रैना और ऋषभ खाई में जा गिरे। मैं तो छोडूंगा नहीं। मुंह में फंसे हुए हैं, फिर भी यहाँ रोमांस कम नहीं हो रहा है। किसने बोला भाग रहे? उसके पीछे जा रहे थे हम, वो आगे आए ऊपर जा रहा था, हम उस पे अटैक करने के लिए फॉलो कर रहे हैं, हम उसको अटैक कर रहे हैं, हम उससे नहीं भाग, वो भाग रहा था। हम डरते जरूर है, बहुत डरावना है हमारा ब्रह्म राक्षस, ऐसे मत समझो, लेकिन हम दोनों उससे नहीं डरते। उसको तो उसका पीछा कर रहे थे हम पहाड़ों पे, जंगल। गांव वाले भी चले आए कि ये दोनों आगे जा रहे हैं तो मारी डालेंगे उसको, तो पीछे पीछे आगे हो गए कि मेरा भी कुछ नाम हो जाएगा, तो वो बात थी, पीछे जा रहे थे सारे। कल से लटक रहे हैं, कल से हार्नेसों पे लटका रहे हैं, और आजकल हवा में ज्यादा रहते हैं हम लोग। जैसे ही सीन से फुर्सत मिली, रैना ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात बताई कि ब्रह्म राक्षस अब राजगिरे और कमल के फूल से भी डरने वाला नहीं है। तभी तो उसने इस कमल से सजे हुए बस पर भी हमला कर दिया। मैं बताती हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि हम घर से निकले थे, हमारे पूरे बस के ऊपर हमने कमल के फूल और राजगिरे लगाए कि हमारे पास ब्रह्म राक्षस ना आ पाए, पर बस में और चीजें पता चलती है जिससे पता चलता है कि ब्रह्म राक्षस को इससे अभी कोई असर नहीं हो सकता। लगता है ब्रह्म राक्षस कोई वैक्सीनेशन लेकर आया है, तभी तो अचानक से राजगिरे और कमल का डर उसके अंदर से खत्म हो गया है। हमारे बस से बाहर था, वो इधर उधर ऊपर नीचे, बस भी हवा में गई, हम तो हवा में जाते रहते हैं, वो बस भी चली गई हवा में, ब्रह्म राक्षस ने उठा लिया और ऐसे हमको फेंका खाई में। मुंबई की बारिश में जरा शूटिंग का हाल तो देखिए, भीगते भीगते सीन निपटाना है तो वहीं दूसरी ओर बारिश का मजा भी लेना है। दोनों काम जैसे तैसे निपट गया। अब मिलेंगे रैना और ऋषभ आपसे अगले दिन। वैसे जाते जाते इन जनाब को कॉम्प्लीमेंट जरूर देना चाहेंगे, क्या डिजाइनर ड्रेस पहना है, जरा हमें भी बताइए, फूलों से सजा ये जैकेट आपने कहाँ से बनवाया है। मुंबई से खुशबू मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।